वेलकम बैक टू अनदर। दोस्तों मैं निजाम, आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल क्रिप्टो इनकम पर। दोस्तों आज एक नहीं, दो नहीं, बल्कि आप सभी को मैं चार कॉइन सजेस्ट करने वाला हूँ जिसके बारे में अभी कोई बात ही नहीं कर रहा और बिल्कुल अंडर वैल्यू मिल रहा है, लेकिन अभी कोई इसके बारे में बात नहीं कर रहा। थोड़ा सा हाइप आएगा और इतना बड़ा प्रोजेक्ट है दोस्तों, इतना बड़ा ये प्रोजेक्ट है कि आपके सोच से भी ज़्यादा ये प्रॉफिट दे सकता है। नज़र रखिएगा, अगर आपने बाय कर रखा है तो इसको होल्ड कीजिएगा, सेल करने की तो बिल्कुल भी कोशिश मत कीजिएगा। नहीं बाय किए हैं तो इस पर नज़र रखिएगा, थोड़ा सा अगर आपके पास फंड हो तो इसको एक्युमुलेट करने की ज़रूर कोशिश कीजिएगा। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मेक श्योर वीडियो को जरूर देखिएगा। दोस्तों पहली बार चैनल पर आएँ, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर कीजिएगा। इसके साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट, टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े जुड़ जाइए, हमारे फैमिली का पार्ट जरूर बनिएगा, ठीक है। सारा कुछ यहाँ पर मिलता है, आप खुद ही देख सकते हो। अभी रिसेंट के अंदर डंप आया हमने, अंडों को कहाँ पकड़ा, हाफ एंड सेंट्स के ऊपर तुरंत क्विक प्रॉफिट यहाँ पर हुआ है। भाई ये सब प्रोजेक्ट को पकड़ना है और मैं आपको हमेशा सजेस्ट करता हूँ, देख सकते हो मैं बाइंग कॉल भी आपको दिया हूँ, खुद जो बाय किया वो भी शेयर किया हो। आप सोचते रहो मैं कितना क्वांटिटी क्या बाय किया हो, लेकिन मैं भाई आप सबसे शेयर कर रहा हूँ। क्वांटिटी देखोगे, ये सब देखोगे तो देखते रहो भाई, जिसको बाय करना था हमारे साथ बाय किया और अच्छा प्रॉफिट में भी यहाँ पर है, और कोई शेयर नहीं करता और हम शेयर कर रहे थे। अब लोग भाई क्वांटिटी के बारे में पूछ रहे, भाई आप बाय तो करो हमारे साथ, मैं ये आप सबको मोटिवेट करने के लिए शेयर करता हूँ, है ना। क्वांटिटी देख के बाकी चीज़ देख के आप करोगे ही क्या। ये देखो ये मेरे भाई ने, भाई क्वांटिटी कितना है क्वाइन का ये भी दिखा दो, ठीक है नेक्स्ट टाइम से ये भी दिखा दूंगा, लेकिन उससे होगा ही क्या। अगर आप मोटिवेट होकर उसको बाय नहीं करोगे तो आप ये जान के ही क्या करोगे आप, है ना। तो ये सब को छोड़ के आप बाय करने पे फोकस करो, जो चीज़ें मैं शेयर कर रहा हूँ उसको देखने की कोशिश करो, ठीक है, तो आप आगे बढ़ोगे। अगर ये चीज़ देखते रहोगे कौन कितना क्वांटिटी बाय किया कैसे किया ये वो, तो बस उसी में फंस के रह जाओगे, ठीक है। तो सीधा चलते टॉपिक के ऊपर, टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है। बात करते हैं आज के चार प्रोजेक्ट की जिसके बारे में कोई भी बात नहीं कर रहा, लेकिन आपको बाय करना है, काफ़ी अच्छे जोन में मिल रहा, काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रहा। इसमें का फर्स्ट टोकन है, उसका नाम है मेंटल MNT। जी हाँ, तो काफ़ी बड़े इकोसिस्टम के साथ है, 7,71,000 से ज़्यादा यहाँ पर फ्लोर्स है। सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि ये अगर हम देखें तो बायबिट का एक नेटिव टोकन भी हुआ करता था, अभी भी है, लेकिन उन्होंने बोला नहीं है, लेकिन ऑलरेडी आपको पता है इसका नाम पहले कुछ और था, बिट डाओ, और उसी को यहाँ पर जो है माइग्रेट करके या नाम चेंज करके और भी इसका जो है काम बढ़ा के ऑप्टिमिज्म रूल ऑफ ब्लॉकचेन इसको बना दिया गया है और इसका नाम MNT रख दिया गया। हम सबको जो है बिट डाओ ही हम सब बाय किए हुए थे, बायबिट का बिट टोकन, और उसको जो है उसी रेशियो में हमें MNT मिला था। लेकिन जब से MNT भी आया तो हमने बाय किया, 0.25 सेंट्स के ऊपर हमारी पहली बाय थी और काफ़ी अच्छी बाइंग हमने बना रखी है इसके अंदर। और आप सबको काफ़ी टाइम से बोल भी रहा हूँ, लगभग 2 बिलियन के आसपास इसका अगर हम देखें मार्केट कैप है, आधा तो सप्लाई ऑलरेडी सर्कुलेशन के अंदर आ चुका है, 3.27 बिलियन, बाकी 6.2 बिलियन टोटल सप्लाई है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों अगर हम देखें तो काफ़ी अच्छे जोन के अंदर भी मिल रहा है, 0.60 सेंट्स कोई ज़्यादा नहीं है यार, 95% ऑल टाइम लो से पंप है भाई, और ऑल टाइम लो भी MNT जब बना था तब से 0.30 सेंट्स ही गया है, बिट डाउ जब था 0.25 सेंट्स तक वो लगभग गया था, ठीक है, तो हमने वहाँ पर बाय किया था और ये अभी तक उस जोन के अंदर गया भी नहीं, और कहीं ना कहीं आपको अच्छी जोन के अंदर मिल रहा है। और इस डम के अंदर ये सब प्रोजेक्ट ना आपको पकड़ना चाहिए, क्योंकि ये सब प्रोजेक्ट के अंदर इतना दमखम है, इतना जान है कि आने वाले टाइम के अंदर बिलियंस ऑफ डॉलर और टॉप 15 के अंदर ये सब आ सकता है ये प्रोजेक्ट, ठीक है। तो इसके ऊपर फोकस कीजिए, बाय करने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट जो है वो है भैया रेंडर, RNDR हुआ करता था, अब ये पूरा नाम चेंज करके रेंडर ही रखा गया है, $4.61 अभी इसका प्राइस चल रहा है, काफ़ी बड़ा यहाँ पर इसका यूज़ केस है, खास के GPU रेंडरिंग के अंदर। 1.81 बिलियन इसका टोटल मार्केट कैप है, जहाँ से सप्लाई तो ऑलरेडी आपको पता है सर्कुलेशन के अंदर 73% आया हुआ है, 532 मिलियन का टोटल सप्लाई है जिसके अंदर 73% सर्कुलेशन के अंदर है, 14 डॉलर के आसपास जो है इसका ऑल टाइम हाई, जो कि 2024-17 मार्च जो मिनी सीजन था उसके अंदर लगा। ऑल टाइम लो देखो, हालांकि ऑल टाइम लो को रहने दो यार, लेकिन ये भी प्राइस जो है कोई बुरी नहीं है, काफ़ी अच्छे प्राइस पे आपको मिल रहा है, काफ़ी बड़े लेवल का प्रोजेक्ट है, बिलियंस ऑफ डॉलर ये हिट कर सकता है आने वाले टाइम के अंदर, टॉप 10 टॉप 15 के अंदर भी इस बुलरन के अंदर आ सकता है, काफ़ी बड़ा इकोसिस्टम है, 1,97,000 लोग इसको फॉलो कर रखे हैं एक्स के ऊपर, तो मेक श्योर इसको एक्युमुलेट कीजिएगा, बिल्कुल भी इसको जाने मत दीजिएगा, अभी काफ़ी अच्छे प्राइस पे $4 के आसपास मिल रहा है, तो काफ़ी अच्छा जोन है, इसको आप जरूर पकड़ के रखिएगा। नेक्स्ट है INJ इंजेक्टिव, इसके बारे में काफ़ी लोग जो है ना जब ये आया था उस टाइम में भी, उसके बाद भी काफ़ी हाइप बना, काफ़ी इसको एक्युमुलेट भी किया गया, काफ़ी रिकमेंडेशन भी की गई, लेकिन अब जो है लोग शांत हैं, और जब लोग शांत होते हैं ना तब आपको इसके ऊपर बढ़ना चाहिए, किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर जब लोग हाइप ख़त्म कर देते हैं तब पकड़ना चाहिए।
क्योंकि जब हाइप आएगा तो सब इसके पीछे भागेंगे। अभी हाइप नहीं है, कोई नहीं भाग रहा। आधे बिलियन का 1.5 बिलियन सॉरी आधा बिलियन बोल रहा हूँ 1.5 बिलियन मार्केट कैप है भैया। 100% लगभग सर्कुलेशन के अंदर इसका सप्लाई है, 100 मिलियन ही है। अब सोचो 100 मिलियन के साथ क्या इसका प्राइस हो सकता है, कितना बिलियन मार्केट कैप ये हिट कर सकता है। ऑल टाइम हाई देखो इसका यार, $52 चांस तो हाफ एंड डॉलर के अराउंड जो है इसका ऑल टाइम लो भी है, जहाँ से काफ़ी अच्छा खासा ऊपर आया है। चांस तो 2024 के अंदर ही मार्च के अंदर ऑल टाइम हाई भी लगाया था, लेकिन अभी भी अगर मैं मानता हूँ तो अपने वैल्यू से काफ़ी डाउन आ चुका है और यहाँ से काफ़ी अच्छा प्रॉफिट दे सकता है, मेगा प्रॉफिट दे सकता है। तो मेक श्योर इसको देखिएगा दोस्तों, 5,28,000 से ज़्यादा इसके फ्लोर्स है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। बैक कौन कर रखा है भाई, बनास मार्क क्यूब यहाँ तो ये इसको बैक कर रखा है, तो काफ़ी बड़े लेवल का प्रोजेक्ट है। आप खुद इसके इन्वेस्टर भी आप आके यहाँ पर देख सकते हो, जम क्रिप्टो इस सब जो है इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखा है, काफ़ी बड़े लेवल का है। अब कोई इसको अभी कोई इसके बारे में बात नहीं कर रहा, तो अभी इसको आपको एक्युमुलेट करना चाहिए। लास्ट प्रोजेक्ट है उसका नाम है एप्टॉस जान, तो $5.17 हमने आज से काफ़ी टाइम पहले आपको रिकमेंड किया था। मेरे जो है बियर मार्केट के अंदर SIP के अंदर भी आर्बिट्रम और एप्टॉस मौजूद था, आपको मैंने शेयर भी किया है। बनास लैब वगैरह इसके अंदर इन्वेस्टेड है, लेयर वन का काफ़ी काफ़ी अलग लैंग्वेज के साथ ये आई थिंक मार्केट के अंदर उतरा था। जहाँ से तो 2.5 बिलियन के आसपास इसका मार्केट कैप है, 33वां इसका रैंक है। टॉप 10 के अंदर तो डेफिनेटली इस बुलरन के अंदर आएगा ही आएगा। 7.65 बिलियन इसका ATHU पर जो है मार्केट कैप हिट किया था। यहाँ से तो 1 बिलियन टोटल सप्लाई के अंदर 42% सर्कुलेशन के अंदर है। 5 दिन के बाद इसकी फिर से अनलॉकिंग है। जहाँ दोस्तों $19 से भी ज़्यादा इसका ऑल टाइम हाई 2023 जनवरी में लगा था, और अभी भैया ऑल टाइम लो $3 जो कि 29 दिसंबर 2022 को लगा है, और अभी काफ़ी अच्छा डम में 74% के डम में मिल रहा है। जी हाँ दोस्तों, $5 का सिर्फ ये प्रोजेक्ट अभी बन के रह गया है, तो मेक श्योर इसको नहीं एक्युमुलेट किए हैं तो कीजिए SIP के थ्रू। देखो एक बंडल SIP का बना सकते हो बनास के ऊपर, जिसके अंदर आप एपटॉप्स को डाल लो, जिसके अंदर इंजेक्टिव को आप यहाँ पर से जो है डाल सकते हैं, जिसके अंदर आप रेंडर को डाल सकते हैं, ये भी आपको मिल जाएगा। और इसके अंदर MNT तो खैर नहीं मिलेगा वहाँ पर, ठीक है, लेकिन ये 3 प्रोजेक्ट मिल जाएगा जिसके अंदर $10 या $20 का एक सीधा बंडल बना के आप एवरी मंथ या एवरी वीक एवरी टू वीक के अंदर आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। बनास ये ऑप्शन देता है और काफ़ी अच्छा भी होता है, यहाँ तो चाहे मार्केट डंप करे पंप करे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और अच्छा आपका SIP के थ्रू जो है पोर्टफोलियो भी बन जाएगा। तो मेक श्योर इन सभी को एक्युमुलेट जरूर कीजिएगा दोस्तों। बाकी वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर दो, कोई भी कमेंट हो कोई भी डाउट हो तो कमेंट के अंदर जरूर बता दीजिएगा, जहाँ से तो पूछ सकते हैं। उसके साथ साथ टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े जुड़ जाइए, हमारे फैमिली का पार्ट बनिए, सारा कुछ यहाँ पर फ्री में मिलता है। जी हाँ दोस्तों, बाकी मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, आज कितना आए, गुड बाय।